रिसर्च एथिक्स के बेसिक असूलों पे हम बात कर रहे थे और उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। इस बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक और बात अर्ज कर दूं कि जितने आप इसके प्रैक्टिसेस पढ़ रहे हैं या जनरल प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं एथिक्स के, ये रिसर्च की मुख्तलिफ हिस्सों से मुंसलिक हैं। रिसर्च की प्लानिंग से लेके रिसर्च की रिपोर्ट जनरेट करने तक के बहुत सारे प्रोसेसेस, जिसमें डेटा कलेक्शन है, डेटा एनालिसिस है, टूल्स की डेवलपमेंट है, फील्ड वर्क है, इन तमाम चीज़ों पे अप्लाई होते हैं। इनमें से प्रिंसिपल जो हर एक सेक्शन से मुतल्लिक हैं, मैंने उनको एक जगह तमाम को इसलिए लिख दिया कि आपके जहन में एक ओवरऑल पिक्चर मैं बना सकूं कि आप रिसर्च एथिक्स की पाबंदी करना चाहें तो आपको किन किन पहलुओं से उसका ख्याल करना होगा। उसमें से एक प्रैक्टिस जो नंबर 5 पे स्लाइड पे लिखी हुई है, ये प्रैक्टिस अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ ज्यादा आम होने लगी है कि लोग डेटा कलेक्शन के लिए अपने सब्जेक्ट्स को इंसेंटिवाइज करते हैं, फाइनेंशियल टर्म्स में, गिफ्ट्स की सूरत में, कुछ टोकन्स की सूरत में। मैंने देखा कि मुख्तलिफ इदारों में अब इस बात को आहिस्ता आहिस्ता तस्लीम किया जाने लगा कि आप डेटा कलेक्ट करेंगे तो क्योंकि लोग डेटा देने में इंटरेस्टेड नहीं होते तो आप उनको इस तरह से इंसेंटिवाइज कर देते हैं। और इसमें एक सूरत कैश की भी है कि लोग उनको पैसों की सूरत में भी इंसेंटिवाइज करते हैं। बुनियादी तौर पे ये मेरी जाती राय है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन फर्ज कर लें कि ये एक्सेप्टेड नॉर्म बन जाए और जरूरत हो तो फिर एक बात का ख्याल रखिए कि आपके ये इंसेंटिव्स उनके व्यूज को तब्दील ना कर रहे हों। मसलन कोई शख्स आपसे सिर्फ पैसे लेने के लिए डेटा प्रोवाइड ना कर रहा हो, अगर डेटा प्रोवाइड कर रहा हो तो अपनी राय में रद्दो बदल इसलिए ना कर रहा हो क्योंकि अब आपने उसको इसके लिए कंपनसेट किया है। अगर आपको इस तरह का इंसेंटिव देने दे रहे हैं आप जिसके जरिए से लोगों की राय में तब्दीली लाई जा सकती है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल एथिकली भी दुरुस्त नहीं है और टेक्निकली स्पीकिंग भी ये दुरुस्त नहीं है। इसके बारे में एक बहुत ज्यादा कंसर्न पाया जाता है। तो ये वाला रिवाज जो है इंसेंटिवाइज करने वाला, ये अभी खुशकिस्मती से हमारे मुल्क में या हमारे इस रीजन में उस शक्ल में नहीं आया जिस तरह से ये यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका डेवलप्ड कंट्रीज में ये अब विजिबल हो गया है। तो इसको हमें अवॉइड करना चाहिए, और अगर इंसेंटिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, बहुत छोटे बच्चों से मैं रिसर्च कर रहा हूँ और उनके इंटरेस्ट को कायम रखने के लिए मैं लेट्स से के डेटा कलेक्शन के प्रोसेस में या प्रोसेस के स्टार्ट या एंड पे उनको कुछ चॉकलेट्स या कुछ स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो इस हद तक तो ठीक है, मुझे समझ आती है कि क्या है। लेकिन हम सब ये सेंस रखते हैं कि किस स्टेज पे हमारा इंसेंटिव जो है वो डेटा को मिलाइन करेगा, उसको हमें अवॉइड करना है। इसी तरह ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी आपके पार्ट पे एज रिसर्चर, जब आप डेटा एनालिसिस से गुजर रहे होते हैं, जब आप टूल डेवलप कर रहे होते हैं, तो एट टाइम्स मेरी ये ख्वाहिश कि डेटा उस तरह से आए जिस तरह के मैंने प्रेजम्पशंस बना रखी हैं, सपोजिशंस बना रखी हैं, और डेटा मुझे उस तरह से आता हुआ नजर नहीं आता, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे लीगल तरीके मौजूद हैं जिनके जरिए मैं डेटा को मैनिपुलेट कर सकता हूं और अपनी मर्जी का रिजल्ट निकाल सकता हूं। वो मैं खुद जान रहा होता हूं कि मैं इसकी मैनिपुलेशन कर रहा हूं। इसकी वर्स्ट फॉर्म तो ये है कि लोग डेटा फैब्रिकेट कर लेते हैं, यानी आपने डेटा एट टाइम्स लिया ही नहीं, खुद बैठ के फिल कर लिया सारा, क्योंकि कौन चेक कर सकेगा इसको। और दूसरी इसकी फॉर्म यह है कि डेटा लिया तो मैंने दुरुस्त, लेकिन मैं उसके एनालिसिस इस तरह से परफॉर्म कर देता हूं और सिर्फ वो चीजें रिपोर्ट कर देता हूं या रिजल्ट इस तरह से जनरेट करता हूं कि वो रिजल्ट आपके जो पसंदीदा आंसर्स हैं उनके करीब आ जाती है। इसको अवॉइड करना, ये बिल्कुल रिसर्चर की इंटेग्रिटी का मामला है। आपने रिसर्च करते वक्त ये कंफर्म नहीं या ये वादा नहीं किया था कि जवाब क्या आएगा, आपने ये कहा था कि सवाल का जवाब ढूंढेंगे और जवाब मेथोडोलॉजिकली करेक्ट तरीके से ढूंढेंगे, ऑनेस्टी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ काम करेंगे। तो लिहाजा जो एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं रिसर्च प्रोसेस के, उनसे अपने आप को जोड़े रखना और अपने
रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करने के लिए पिछली चीजों को, डाटा को, क्वेश्चनर्स को मैनिपुलेट करना जो है, इसको अवॉइड करना आपकी जिम्मेदारी है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एट टाइम्स मैं ऐसी रिसर्च कर रहा होता हूं जो रिसर्च जिस इदारे में बैठ के फर्ज कर ले कर रहा हूं उसी के इंटरेस्ट से क्लैश खा रही होती है, कॉन्फ्लिक्टिंग होती है। तो मुझे इधर ऐसे रिसर्च प्रोसेस में से अपने आप को विदड्रॉ कर लेना चाहिए, या अगर मैं विदड्रॉ नहीं कर सकता तो फिर जो इससे पहले वाला पॉइंट था इंटेग्रिटी वाला, उसको पूरी तरह से इंश्योर करना चाहिए। अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अगर वो पाया जाता है तो उसको पूरी तरह से रिसर्च रिपोर्ट में वजाहत करना और उस मैकेनिज्म की भी वजाहत करना जिसके जरिए से आपने ये इंश्योर किया कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने के बावजूद उसने आपके रिसर्च के प्रोसेस को मुतासर नहीं किया, ये आपके रिसर्च के रिजल्ट्स पे ट्रस्ट डेवलप करने के काम आता है। इस तरह के इश्यूज को हैंडल करने के लिए मुख्तलिफ इदारों ने इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स बनाए हुए हैं, जिनको आप कई जगहों पे एथिक्स कमेटी भी कहते हैं। डिपार्टमेंट के लेवल पे, फैकल्टी के लेवल पे या यूनिवर्सिटी के लेवल पे ये बोर्ड्स बने होते हैं। ये रिवाज वेस्ट में तो बिल्कुल एस्टेब्लिश तरीके से चलता है, हमारे यहाँ अभी इसकी बहुत ज्यादा एविडेंस नहीं मिलता, या मुख्तलिफ इदारों ने बनाए नहीं हुए, अगर बनाए हुए हैं तो उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, और अगर फंक्शन भी करते हैं तो उस तरह की रिगर ऑब्जर्व नहीं करते। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फोरम है जो इस जो रिसर्चर की पूरी मेहनत को एक तरह से ऑथेंटिकेट कर रहा होता है। रिसर्चर अपने तौर पे ऑनेस्ट था, इंटेग्रिटी का भी ख्याल रखा, इंसेंटिव्स भी लीगली करेक्ट दिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को भी डिवाइड कर दिया। अब अपने तौर पे मैंने सारा कुछ कर लिया एज ए रिसर्चर, एक बोर्ड बनाओ जो मेरे इन प्रोसेसेस को वेट करे कि मैंने ये ऐसे कर दिया, और मुझे रिसर्च की इजाजत देने से पहले इन तमाम इश्यूज को जो पहले 6 पॉइंट्स में हमने देखे, 7 पॉइंट्स में, इनको इंश्योर करे कि ये वाकई ऐसे हुए हैं। तो रिसर्च, हर रिसर्च को जो हम अंडरग्रेड या पोस्ट ग्रेड लेवल पे करते हैं, इस बोर्ड के थ्रू गुजारा जाना जरूरी होता है। ये सीनियर लोगों पे मुश्तमिल एक बोर्ड है जो हमें हर जगह बनाना चाहिए। इसी तरह अगर मैं कोई ऐसी रिसर्च करता हूँ जो ग्लोबली रेलेवेंट है, यानी मल्टी कंट्री स्टडी है, मुख्तलिफ मुल्कों के लोग उसमें शामिल हैं, मल्टीपल इदारों के लोग उसमें शामिल हैं, तो मुझे अब एक एथिकल स्टैंडर्ड नहीं है जिनको फॉलो करना है। मेरी रिसर्च को उन तमाम ममालिक के या उन तमाम इदारों के एथिकल स्टैंडर्ड्स को सामने रख के काम करना है जिनको मैंने अपनी रिसर्च में इन्वॉल्व कर लिया। तो बेसिकली मल्टी कंट्री स्टडीज में या मल्टी लेटरल स्टडीज के अंदर या मल्टी इंस्टीट्यूशनल स्टडीज के अंदर हमें फिर एक अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स जो अपने इदारे के हैं उनके साथ साथ दूसरों के स्टैंडर्ड्स को भी सामने रखते हुए, उनकी पाबंदी करते हुए भी अपने रिसर्च प्रोसेस की या रिसर्च के स्टेप्स की अप्रूवल लेनी चाहिए, टॉपिक से लेके रिपोर्टिंग तक। तो उसके लिए फिर आप ये एक ऐसा कंसोर्शियम बनाते हैं, ऐसा एक फोरम क्रिएट करते हैं जो उन तमाम इदारों के लोगों पर मुश्तमिल होता है, और वो इंश्योर करता है कि आप जो ग्लोबल एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनको, यहाँ ग्लोबल से मुराद पूरी दुनिया नहीं, ग्लोबल से मुराद वो तमाम ममालिक या वो तमाम इदारे हैं जिन जो इस रिसर्च प्रोसेस का हिस्सा है, तो उनके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना, उनके नॉर्म्स को फॉलो करना जो है, इसको इंश्योर किया जाता है। तो ये चंद एक स्टेप्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। अगर आप इस मौजू पे पढ़ना चाहें तो आपको इसकी तरह के और बेशुमार और भी चीज़ें मिल सकती हैं जो कि इसमें फॉल करती हैं। मसलन अगर मैं सिर्फ ये लिख के देखना चाहूँ कि डेटा कलेक्शन के एथिकल नॉर्म्स क्या हैं, तो आपको इसके ऊपर, इस सब्जेक्ट पे बहुत सारा मटेरियल मिल सकता है। तो क्योंकि ये कोर्स एथिक्स पे नहीं बल्कि रिसर्च मेथड्स का कोर्स है, तो मैंने अपने आप को महदूद किया उन जनरल पॉइंट्स तक, जनरल प्रैक्टिसेस तक, जिनके बगैर एथिकल स्टैंडर्ड्स को एडहर नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बात यहाँ तक लिमिटेड नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे पहलू हैं जिस पर आपको ध्यान देना होगा जब आप रिसर्च कंडक्ट करने जाएं।